नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर अक्सर सुर्खियों में नहीं आता। आपने कभी कभार ही मणिपुर का नाम खबरों में सुना होगा, लेकिन इन दिनों दिल्ली के मीडिया का ध्यान मणिपुर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हुआ है। वजह है वहां भड़की हिंसा की आग। जी हाँ, अक्सर शांत और समृद्ध खुशहाल रहने वाला मणिपुर इन दिनों अशांति और अराजकता ने अपने वहां पर पांव पसार रखे हैं। दरअसल वहां बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की श्रेणी में शामिल करने के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। कई संगठनों ने बुधवार को आदिवासी एकता मार्च का आह्वान किया था, जिसमें हिंसा भड़क उठी थी। हालात को देखते हुए राज्य के कई इलाकों में सेना को भी तैनात किया गया। गुरुवार को हिंसाग्रस्त इलाकों में देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए। मणिपुर के हालातों की हम आगे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये मैतेई समुदाय कौन सा समुदाय है जिसे शेड्यूल ट्राइब्स की श्रेणी में शामिल किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। असल में मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी राज्य की जो कुल आबादी है उसका 64.6% है। मणिपुर में मैतेई समुदाय के 90% लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये लोग मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में बसते हैं। मैतेई लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और उनका मानना है कि 17वीं और 18वीं सदी में उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था। मैतेई लोगों का दावा है कि वो मणिपुर में सदियों से रह रहे हैं और इसी आधार पर उनकी ये मांग है कि उन्हें आदिवासी का दर्जा दिया जाए। मैतेई राजाओं का राज एक समय म्यांमार में छिंदविन नदी से लेकर मौजूदा बांग्लादेश के सूरमा नदी तक फैला हुआ था, लेकिन भारत में शामिल होने के बाद वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9% भूभाग पर ही सिमट गए हैं। मणिपुर में 32 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों को मोटे तौर पर कुकी जनजाति और नागा जनजाति के रूप में बांटा गया है। इन जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं करीब 12 सालों से मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा दिए जाने का कड़ा विरोध कर रही हैं। मैतेई समुदाय का राज्य की आबादी और राजनीति दोनों में ही खासा प्रभाव है। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर इनका प्रभाव है और इसी वजह से राज्य के आदिवासी लोग इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं। मैतेई समुदाय की आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदू गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को मानता है। वहीं 16% मैतेई स्थानीय साना माही धर्म के अनुयायी हैं। मणिपुर की कुल 60 विधानसभा सीटों में से 39 सीटें इम्फाल घाटी में आती हैं, जहां पर मैतेई आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो रही मैतेई समुदाय की बात। अब आती है उन्हें एसटी दर्जा दिए जाने का विरोध क्यों हो रहा है, अब इस पर हम बात करते हैं। असल में समुदाय का कहना यह है कि राज्य में म्यांमार और बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौजूदा कानून के तहत उन्हें राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि मैतेई समुदाय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके उन्हें जनजातीय वर्ग में शामिल करने की गुहार लगाई थी। अदालत में याचिकाकर्ता ने कहा कि 1949 में मणिपुर की रियासत के भारत में विलय से पहले मैतेई समुदाय को एक जनजाति के रूप में मान्यता मिली थी। इसी याचिका पर बीती 19 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया कि सरकार को मैतेई समुदाय को जनजातीय वर्ग में शामिल करने पर दोबारा विचार करना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए 4 हफ्तों का समय भी दिया था। अब इसी फैसले के विरोध में मणिपुर में हिंसा हो रही है। हाई कोर्ट के फैसले का राज्य का जनजातीय वर्ग विरोध कर रहा है। उन संगठनों का कहना है कि मैतेई समुदाय को अगर जनजातीय वर्ग में शामिल कर लिया जाता है तो वो उनकी जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। विरोध में एक और तर्क ये भी दिया जाता है कि जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दोनों में मैतेई का दबदबा है। राज्य की पहाड़ी जनजातियों में फैली अशांति को समझने के लिए यहाँ की डेमोग्राफी को भी समझना थोड़ा ज़रूरी है। भौगोलिक रूप से राज्य को 2 इलाकों, पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में बांटा गया है। 2011 की जो जनगणना की गई थी उसके मुताबिक मणिपुर की जनसंख्या 28,55,794 है। इसमें से 57.2% घाटी के जिलों में रहते हैं और बाकी 42.8% लोग पहाड़ी जिलों में रहते हैं।
मैदानी इलाकों में मुख्य रूप से मैतेई बोलने वाली आबादी रहती है, वहीं पहाड़ियों में मुख्य रूप से नागा कुकी जैसी जनजातियां निवास करती हैं। राज्य की मान्यता प्राप्त जनजातियां इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों तक सुरक्षा और वहां जमीन की खरीद पर प्रतिबंध की मांग भी करती रही हैं। तो ये थी मणिपुर हिंसा और उसके कारणों की पूरी ABCD। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।